बॉलीवुड की भागती दौड़ती दुनिया में अभी हाल ही में हुआ 45th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहां दो ग्रेटेस्ट लेजेंड एक साथ दिखाई दिए, विच मेड दिस इवेंट मोर मीनिंगफुल एंड टॉक ऑफ द टाउन। ये दोनों हस्तियां थी अमिताभ बच्चन एंड रजनीकांत। जी हाँ, अरे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा इन दोनों को एक साथ देखने के लिए। रजनीकांत को सेंटिनरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड अमिताभ बच्चन जी ने दिया। एग्जैक्टली, व्हाइल टेकिंग द अवार्ड रजनीकांत जी ने अमिताभ जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जरा सोचिए क्या क्या रहा होगा, वो सीन देखने लायक रहा होगा। और कहा कि मैं यहाँ कोई स्पीच देने नहीं आया हूँ, क्योंकि अमिताभ जी की एक्सीलेंट स्पीच के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले मैं ये फेस्टिवल कभी अटेंड नहीं कर पाया, और इस बार मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया। और मैं अपने इस अवार्ड को अपने सभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस और फैंस को डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाओ, सो हम्बल। वैसे बड़े बूढ़े सही कह गए हैं कि जो पेड़ जितना लदा हुआ होता है उतना ही झुका हुआ होता है। बोथ अमिताभ एंड रजनीकांत दोनों ही लिविंग लेजेंड हैं, ना सिर्फ अपने काम की वजह से, बट ऑल्सो बिकॉज दे आर वंडरफुल एट हार्ट।